माता दी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का समय है, अभी हम नहा चुके हैं और ये देखिए भट्टी जली हुई है यहाँ पे, तो ये धुआं धुआं उठा हुआ है क्योंकि इसमें खाना बनता है रूम में, और यहीं पे खोआ भी बनता है ये देखिए। और भाभी इसमें धुआं में है, वो आयांश आ रहा है। आयांश आओ आओ आओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बाबू, आओ आओ। सब बाहर खेल रहे हैं, इसको भी जाना है बाहर। चलो 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 चलो। तो ये वाली क्लिप है सुबह सुबह की, जब सो के सब लोग उठते हैं, बस उसके बाद की क्लिप है। तो हम भी नहीं नहाए थे और मम्मी चारा काट रही थी, और ये चेरी है जो खेतों से आई हुई है। तो सुबह काट के देते हैं, फिर शाम को काट के देते हैं, मतलब ताज़ा ताज़ा, क्योंकि हरा चारा ज़्यादा मतलब काट के रख दो तो वो ख़राब हो जाता है और आपस में दब करके जलने लग जाते हैं, तो जानवर फिर नहीं खाते हैं। आयांश क्या खा रहे हो? ओए भैया खिमा सुभरा है, वह तीखा है का भैया? तीखा है ना खाओ, तीखा है तो आयांश तीखा है ना खाओ, ना खाओ तीखा है। तो हलवाई स्टाइल में आज जलेबी बनाना आप सबको सिखाएंगे और दिखाएंगे भी थोड़ा सा। हमने भी यहाँ पे मतलब बनाया हुआ है, तो वो भी आप सबको दिखाएंगे। और अभी हम आ गए हैं दुकान में जहाँ पे जलेबियाँ बनती है गर्मा गर्म। सुबह सुबह का समय है तो सुबह यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियाँ बनती है। और इधर ये देखिए जलेबियाँ छानी जा रही हैं और छान करके डाली जा रही हैं चाशनी में, फिर एक जन निकाल के उसको साइड में रख रहे हैं। और ये देखिए तो सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबियाँ बनती हैं, फिर घर भी जाएगी और सब लोग खाएंगे भी। तो ये देखिए जलेबियाँ यहाँ पे बन रही है। मैदे को शाम को ही डाल दिया जाता है, मतलब इसका मैदा जितना ज़्यादा बोलते हैं कि रखना है पानी में भिगो के सड़ जाता है, जितना ज़्यादा खट्टा हो जाता है जलेबी उतनी ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए भाई बना रहा है यहाँ पे जलेबियाँ। और आयांश भी यहीं पे है और भाई भी यहीं पे है, मानसी भी यहीं पे है, मतलब लगभग सुबह के समय घर के सारे लोग यहीं पे होते हैं। तो भाई यहाँ पे जलेबियाँ अपने हाथों से मतलब ऐसे बना दिया था, मर्दानी जिसको बोलते हैं शायद, तो उससे भाई ने बना दिया था। तो मैंने कहा ले आओ मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ जब आ गई हूँ तो। और मानसी भी मेरे साथ ही आई हुई है, घर के पास ही है, ज़्यादा दूर हम लोग नहीं आए हैं, घर के पास ही दुकान है, तो यहीं पे सब लोग आ गए। और आप सबको आज हमने ढाबे हलवाई स्टाइल में जलेबी कैसे बनाते हैं ये भी आप सबको दिखा दिया है। ये देखिए लगभग बहुत सारी बन ही गई है, तो ये थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, और ये चीनी वाली है दोस्तों। तो गांव में ना गुड़ वाली जो जलेबियाँ होती है वो बहुत फेमस होती है, और जो जलेबी है वो हमारे राष्ट्रीय मिठाई भी है। तो जलेबी किसको किसको पसंद है ये भी बताइएगा, हमें तो जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है खाना। सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और मम्मी इधर भैंस का दूध निकाल रही है, मतलब दुहाई पे लगी हुई है मम्मी। और चारा पानी इनका सबका हो गया है, बारिश का टाइम है तो बहुत ज़्यादा कीचड़, टाइम तो बारिश का चला गया लेकिन अभी भी बारिश हो रही है, तो कीचड़ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है भैंसों के नीचे। बचा खुचा जो चारा है उसमें मम्मी फिर से चोकर डाल रही है ताकि चारा पूरा साफ हो जाए, और पापा इधर नहाने के लिए रह रहे हैं।
हम भी नहा करके आ गए हैं, लेकिन मम्मी का भी ख़त्म नहीं हुआ है काम, तो बहुत सारा अभी उनको काम है, तो वो तो अभी नहाने वाली है नहीं, क्योंकि उनका बहुत सारा भैंसों का गायों का काम चल रहा है। तो ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा फिर फुर्सत में नहाती हैं लास्ट में आकर के। और हम भी नहा चुके हैं, तो आज 8 तारीख है और 8 अक्टूबर डाल जाएगा इसमें, खाना इसी में बनेगा, इसी में दूध भी डलता है, खोआ बनाया जाता है। इसमें कढ़ाई देखें खोए की, और अंजू इधर सब्जियां काट रही हैं, भाभी भी इधर अपना काम कर रही है, आटा लगा रही है, तो एक एक काम दोनों कर रही है, तो जल्दी से काम हो जा रहा है। घर का सारा काम निपटाने के बाद मम्मी अभी आ गई है खेतों में चरी लेने के लिए, फिर से हरी चरी। तो यही चरी खेतों में ले जाती है जो भूसा में मिला करके जानवरों को खिलाया जाता है। और मम्मी यहाँ पे काट रही थी, तो हमने भी थोड़ी सी यहाँ पे उनकी मदद कर दी है। हाँ, अकेली आई हुई है मम्मी और काट करके रख के चली जाती हैं, तो फिर भाई लोग आते हैं लेके जाते हैं मशीन के पास, रखते हैं, फिर मशीन से काटा जाता है। और खेतों से मम्मी नहाने से पहले आकर के खेतों में काट लेती हैं, क्योंकि नहाने के बाद फिर बारिश हुई है तो पूरा खेत गीला पड़ा हुआ है, पैर बहुत ज़्यादा घुसने लगते हैं इसमें। और चारों तरफ आप सभी को हरियाली ही हरियाली दिख रही होगी, तो खेतों में कहीं बाजरे लगे हैं और कहीं धान की खेती है, तो धान की भी कटाई शुरू होने वाली है, धान भी पक चुका है और बारिश हो गई है, जिसकी वजह से फसल में पानी भर गए हैं, तो भरने की वजह से अभी उनको सूखने के लिए टाइम दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कट नहीं सकती है और खेतों में रख करके ही सूख कर जाता है, तो इसीलिए खेत अभी गीले हो गए हैं, तो कुछ कुछ काम अभी रुक गया है बारिश ज़्यादा होने की वजह से। तो ये देखिए मम्मी काट रही है और दो बोझ वहाँ से घर आ चुके हैं दोस्तों। और दादी यहाँ पे बैठी हुई है, तो दादी नहा के आई हुई हैं, बैठी हुई हैं, बाल उन्होंने धोया था तो बालों में उनके कंघी कर रहे हैं, और बाल में जब हमने कंघी किया तो बड़ा सूखा सूखा था इनका बाल, तो फिर हम तेल मंगवा के इनके बालों में लगा दिए थे, काफ़ी बड़े इनके बाल थे लेकिन और काट दिए गए हैं, क्योंकि अभी इनकी उम्र हो गई है तो ये कंघी वगैरह नहीं कर पाती हैं ठीक से। और आज है त्यौहार, तो घर की साफ़ सफाई भी करनी है, और हम तो आ गए थे दो दिन पहले ही, तो आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे। तो गोबर और ये गेरू लिया हुआ है हमने, गेरू जो घर की लिपाई कर दो ना इसे, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे ससुर में तो बहुत कम मिलता है, लेकिन हमारे मायके में सब लोग ज़्यादातर गेरू से ही लिपाई करते हैं, और गेरू से लिपने के बाद घर बहुत अच्छा लगता है, सूखने के बाद बड़ा सुंदर लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो गेरू और गोबर को हमने मिला लिया है, पहले थोड़ा थोड़ा सा पुताई कर देंगे दीवार के किनारे किनारे, ताकि देखने में अच्छा लगे। और ये जो जिसे हम पुताई कर रहे हैं ना, ये मिट्टी बहुत सफ़ेद है, तो सूखने के बाद एकदम वाइट हो जाती है, और अभी पुताई कर रहे हैं तो इसकी बड़ी अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आ रही है, तो मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी इधर उधर टहल रहा है, मतलब मम्मी के हाथ में दिखा हुआ है, तो भाभी भी अपना काम कर रही हैं और अंजू हमारे साथ लगी हुई है घर की लिपाई करने में, तो हमने कहा चलो हम दोनों बहनें मिलके कर लेते हैं, भाभी अपना काम कर रही हैं तो हम लोग अपना काम कर लेते हैं। और आज है ढिड़िया त्यौहार है, आज ढिड़िया का त्यौहार, तो कुछ जगहों पे ये त्यौहार नहीं मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे गाँव में मनाया जाता है, बहुत जगहों पर मनाया जाता है, बहुत सारे लोगों को पता होगी कि ये कौन सा त्यौहार है ढिड़िया। वैसे इसका ब्लॉग भी हम आप सबको दिखाएँगे, लेकिन वो कल की वीडियो में दिखाएंगे, आज तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और घर की साफ सफाई करने में ही टाइम निकल जाएगा। तो
तो गांव में जब भी कोई त्योहार होता है, छोटा मोटा त्योहार हो या फिर बड़ा हो, तो घर के सफाई से ही सारा काम शुरू होता है। तो गोबर और मिट्टी से घर की लिपाई कर दी जाती है और जिसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। कोई मेहमान आने वाले हैं, शादी है, ब्याह है या फिर कुछ भी है, तो सबसे पहले घर की लिपाई की जाती है और पोताई की जाती है, जो लीपने के बाद पोतने के बाद देखिए बहुत सुंदर लगता है। जहाँ जहाँ पे उस साइड अंजू लीप रही है और इस साइड हमें, तो दोनों बहन मिलके कर रहे हैं, तो जिससे कि जल्दी हो जा रहा है। और दो रूम इधर के जो हैं वो नीचे प्लास्टर किए गए हैं, तो भाभी का भी रूम प्लास्टर किया हुआ है, तो बाकी के रूम जो है वो प्लास्टर किए गए हैं। तो आगे का गलियारा और ये और एक साइड और जिसमें टीवी रखी हुई है, तो और घर का जो बाहर है, बाहर तो लिपाई नहीं की जाएगी, सिर्फ अंदर अंदर ही की जाएगी, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी बारिश हो जाती है और अभी भी मौसम ठीक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी बारिश से कम एक हफ्ते लगातार होगी, तो जब भी बारिश होती है तो फिर बारिश में सब बेकार हो जाता है। और मम्मी अभी खेत से आई हुई है, तो मम्मी और चाची दोनों बाहर बैठी हुई हैं। तो देखिए सारा लिपाई पुताई हो गया है और जो लास्ट में गोबर बचा हुआ है इसको भर करके ले चल के फेंक देंगे घूर में, और इतना बचा हुआ है तो इसे भी लीप लेते हैं और फिर चलते हैं सीधे हाथ धुलेंगे। तो घर की साफ सफाई हो गई है दोस्तों, और ब्लॉग भी बड़ा हो गया है, हमारे साथ साथ हमारा बेटा भी लगा हुआ है, और वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। इजाजत दे दीजिए, बाय बाय।